स्वागत है आप सभी का फिर से और एक बार हमारे चैनल पर। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद आए हैं एक ऐसी फिल्म की रिव्यू लेकर जिसे लोग आज भी देखना पसंद करते हैं यूट्यूब पर सर्च करके, फेसबुक पर और अन्य सोशल मीडिया पर भी। ये फिल्म 2018 की है, फिर भी लोग अभी भी देख रहे हैं, आज भी देख रहा है। और मेरे कुछ दोस्त भी इस फिल्म को मुझे सजेस्ट कर रहे थे, तो फाइनली आज मैंने इस फिल्म को देख लिया है। और देखने के बाद मेरा तो होश ही उड़ गया। मैं इतने दिन क्या कर रहा था, इतने दिन से इस फिल्म को नहीं देख रहा था। 2 साल पहले ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल हो चुका था लेकिन मैंने इस फिल्म को मिस कर दिया। तो फाइनली आज जाके मैंने इस फिल्म को देख लिया है। थंबनेल देखकर आप समझ ही गएंगे कि इस फिल्म की बात कर रहा हूँ। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुआ तेलुगु फिल्म वीरा भोगा वसंत रायलू, जिसको हिंदी में जीत का जश्न नाम से रिलीज किया गया था। IMDb पर इस फिल्म को 6.5 का रेटिंग हासिल है, लेकिन मैं इस फिल्म को देखने के बाद सोच रहा हूँ 8-9 दे ही सकता हूँ। बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिली है इस फिल्म को देखकर। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे देखकर बहुत लोगों का होश भी उड़ सकता है। जी हाँ, बहुत लोगों को इस फिल्म समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि कुछ इस तरह की क्राइम थ्रिलर फिल्म जो होता है ना, अंत में जाके बहुत ही अच्छी लग जाती है फिल्म, लेकिन स्टोरी समझ में नहीं आती है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाती है। ये फिल्म ही कुछ ऐसा है लाइक इंसेप्शन और टेनेट जैसी फिल्म, जिसे देखकर अंत में जाके स्टोरी समझ में नहीं आती है या फिर टाइमलाइन समझ में नहीं आती है। ये फिल्म भी कुछ ऐसी ही है जिसमें अलग अलग टाइमलाइन चलती है, समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर ध्यान से मन लगाकर देखेंगे तो क्लाइमेक्स में जाके समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जिन लोगों को ये फिल्म देखने के बाद स्टोरी समझ में नहीं आएगा या फिर नहीं आया है, तो उन लोगों के लिए मैं एक अलग से एक्सप्लेन वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस फिल्म को पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, इस फिल्म की स्टोरी को कनेक्ट करके बताऊंगा, पूरी टाइमलाइन को मिला के दूंगा। तो उन लोगों के लिए अलग से वो वीडियो में बहुत जल्दी कोशिश करूंगा बनाने के लिए। आज की इस वीडियो पर हम इस फिल्म का रिव्यू करेंगे। जो लोग इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा तो रिव्यू देख सकते हैं, और अगर इस फिल्म को देख लिया है तो एक्सप्लेन वीडियो जरूर देखिएगा, कोशिश करूंगा बहुत जल्दी बनाने के लिए। और अगर आप लोगों को ये फिल्म नहीं मिल रहा है हिंदी में देखने के लिए, तो वो भी मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग इस फिल्म को देख पाएंगे फ्री में। एक्सप्लेन वीडियो अपलोड करते ही इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर वो लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ रहिए। तो फिल्म में आपको 3 अलग अलग स्टोरी देखने को मिलेगा जो कि 3 अलग अलग केस है, जिसे देखते टाइम आपको ऐसा लगेगा कि एक साथ ही चल रहा है बस अलग अलग जगह पे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तीनों ही स्टोरी अलग अलग टाइमलाइन के हिसाब से चलती है, जो बाद में जाके पता चलेगा। तो फिल्म की शुरुआत में जो पहला केस है उसमें दिखाया जाता है कि एक डॉक्टर है जो एक अनाथ आश्रम का देखभाल करता है। उनका एक बहुत ही हुनर लड़का है जो बहुत ही टैलेंटेड है, 6-7 साल का होगा या फिर 4-5 साल का होगा। तो वो उसी आश्रम की एक छोटी बच्ची के साथ गहरा दोस्ती कर लेता है। हाँ, उसी उम्र में हम दोस्ती ही कह सकते हैं, प्यार व्यार तो नहीं कह सकते, तो गहरा दोस्ती हो जाता है। लेकिन अचानक एक दिन वो आश्रम वाली लड़की खो जाती है, गुम हो जाती है। पुलिस से कोई भी मदद नहीं मिलता है, तो वो डॉक्टर पर्सनली किसी को हायर करके इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसे ढूंढने पर लगे रहते हैं। दूसरी केस पर एक 12-13 साल का लड़का जिसका घर गायब हो जाता है। जी हाँ, उसकी घर गायब हो जाता है। एक दिन वो घर में आके देखता है कि उसकी माँ बाप के साथ साथ वो घर ही नहीं है, गायब हो जाता है। तो उसकी माँ बाप को कहाँ पर ढूंढेगा? तो वो पुलिस के पास आते हैं मदद लेने के लिए कि उसका घर गायब है, कंप्लेंट करने के लिए। और यहाँ पे मिलता है उसको एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर सुधीर बाबू, जो इस केस को सॉल्व करने पे लगे। तीसरी केस पर एक ऐसा क्रिमिनल है जो शहर में से सारे छोटे बड़े क्रिमिनल को खत्म कर रहा है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या फिर कोई स्मगलर या फिर और कोई छोटे बड़े क्रिमिनल हो, तो उन सभी को खत्म कर रहा है। तो एक दिन उसको एक बहुत ही बड़ा मौका मिला है, एक फ्लाइट गुम हो जाते हैं 300 यात्री के साथ, और इसी का फायदा उठा के वो पुलिस के सहारे भी शहर में से बहुत सारे 500-600 से ज्यादा क्रिमिनल को खत्म किया है। और उन्हीं पुलिस वालों में से है नारा रोहित और श्रिया शरण। तो किस तरह से वो उन लोगों को इस्तेमाल करता है और आगे चल के क्या होता है, वो तो आप फिल्म में ही देखेंगे। ये जो 3 अलग अलग केस है, तीनों ही अलग अलग स्टोरी है लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, लेकिन तीनों ही स्टोरी के टाइमलाइन अलग अलग है, फिर भी ये स्टोरी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो आपको फिल्म के क्लाइमेक्स पर जाके ही समझ में आएगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं भी आ सकता है। तो पहली केस पर जो छोटी बच्ची गुम होता है, क्या वो मिलता है? या दूसरी केस पर जिस बच्चे का घर और माता पिता गायब हुआ है वो उसको मिल पाता है? और तीसरी केस पर किस तरह से वो क्रिमिनल पुलिस को इस्तेमाल करता है, या आगे चल के वो क्रिमिनल को पकड़ पाते हैं, या फिर वो 300 यात्री के साथ वो एयरप्लेन मिलता है कि नहीं, सब तो आपको फिल्म में ही देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म का स्टोरी और क्लाइमेक्स बहुत ही बेहतरीन है। क्लाइमेक्स देखने के बाद तो इसका जो टाइमलाइन है स्टोरी का, वो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा है। फिल्म में जो बेस्ट पार्ट है वो है सेकंड केस में, जिसमें सुधीर बाबू जो केस सॉल्व करता है वो देखने में बहुत ही मजा आता है। और इसी स्टोरी की टाइमलाइन पर आपको थोड़ा बहुत कॉमेडी भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा नारा रोहित का काम भी बहुत ही अच्छा हुआ है। और श्रेया शरण की बात करते हैं, उसका एटीट्यूड मुझे इतना खास नहीं लगा है, मुझे उतना जमी नहीं। तो ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म बहुत ही अच्छी है, आपको एंगेज करके रखता है अंत तक इस फिल्म को देखने के लिए। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर आपने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी देखिए इस फिल्म को कहीं से भी। अगर आप देखना चाहते हैं इस फिल्म को हिंदी में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी रहे इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन वीडियो, मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा उस वीडियो को बना के आप लोगों के पास ले।